तो भाई साहब काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है एवेंजर 5 से, जिसके ऊपर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मार्वल अपडेट के एपिसोड नंबर 76 में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर काफी बड़ी बड़ी अपडेट होने वाली, जिसको आज हम एक एक करके कवर करने वाले हैं। तो अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को अभी छोड़ दिया तो आप काफी बड़ी अपडेट मिस कर जाओगे, अगर आप मार्वल के कट्टर फैन हो तो। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको छोटी बड़ी जानकारी चैनल के ऊपर मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत हम दोस्तों एवेंजर 5 से करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि आखिरी अपडेट कहाँ से निकल के आई है। तो दोस्तों ये अपडेट डेडलाइन वालों की तरफ से निकल के आई है, जिसकी काफी ज्यादा अपडेट सही होती है। तो दोस्तों एवेंजर कैंग डेंसिटी यानी एवेंजर 5 के अंदर इन्होंने कहा है कि इस मूवी के अंदर में 16+ कैरेक्टर देखने को मिलने वाले हैं एवेंजर 5 मूवी में। यानी दोस्तों अभी तक हमें जितने भी सुपर हीरो दिखाए गए वो सारे सुपर हीरो में एवेंजर 5 के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने कहा है कि इस मूवी के अंदर कोई भी एक टीम लीडर नहीं होने वाला है, जैसे कि आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका थे। और इसके अलावा दोस्तों इन्होंने कहा कि इस मूवी के अंदर में 6 कैरेक्टर टीम अप करते हुए दिखाई देंगे, जैसे कि थोर, डॉक्टर स्ट्रेंज, लोकी। जी हाँ दोस्तों, लोकी भी हमें इस मूवी के अंदर दिखाई देने वाला है, ये कंफर्म बताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों हमें नेबुला, शैंग-ची और हल्क भी देखने को मिलने वाले हैं। तो ये 6 कैरेक्टर दोस्तों हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले, जो कि टीम अप करेंगे। और अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की विलन के बारे में कि एवेंजर कैंग डेंसिटी यानी एवेंजर 5 के अंदर में कौन सा विलन देखने को मिलने वाला है, तो ज्यादा चांस दोस्तों हमें कैंग की नजर आ रहे हैं, लेकिन कैंग हो सकता है रिप्लेसमेंट किया जाए जोनाथन मेजर का। तो इसके बारे में दोस्तों कोई भी अपडेट निकल के आई तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर दोस्तों बात करें एवेंजर 5 को डायरेक्ट कौन करे, तो सबसे पहला नाम इसमें निकल के आ रहा है शॉन लेवी का, जिन्होंने डेडपूल एंड वुल्वरिन को डायरेक्ट किया है। तो अभी के लिए दोस्तों अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन अपडेट निकल के आई जो कि मैंने आपके साथ शेयर की, जो कि काफी बड़ी साइड की तरफ से निकल के आई है। इसके अलावा दोस्तों बात कर हमारी अगली अपडेट के बारे में, तो ये अपडेट है डेडपूल एंड वुल्वरिन के बारे में। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि अगले महीने डेडपूल एंड वुल्वरिन रिलीज होने वाली है, और ये मार्वल की एक ही मूवी जो कि इस साल रिलीज होने वाली। तो इससे भी काफी बड़ी अपडेट निकल के आई है, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि ये मूवी प्रॉपर आर रेटेड मूवी होने वाली है, और इस मूवी के अंदर काफी सारी गाली गलौज और काफी खतरनाक सीन होने वाले हैं। तो हाँ दोस्तों, ये मूवी प्रॉपर आर रेटेड मूवी होने वाली है। तो दोस्तों मैं आपसे जानना चाहूँ कि आप इस मूवी के लिए कितना एक्साइटेड हो, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा दोस्तों बात करें कैप्टन अमेरिका 4 के बारे में, तो इससे भी काफी बड़ी अपडेट निकल के आई है। तो कैप्टन अमेरिका 4 के अंदर दोस्तों में जियान कार्नो भी देखने को मिलने वाले, जिनको आपने ब्रेकिंग बैड सीरीज के अंदर देखा होगा और लेटेस्ट के अंदर द बॉयज सीरीज के अंदर देखा होगा। तो इनका कैरेक्टर भी अब दोस्तों में कैप्टन अमेरिका 4 के अंदर देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों बात कर लीजिए यंग एवेंजर मूवीज के बारे में, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है दोस्तों इस मूवी की भी शूटिंग अगले साल देखने को मिलने वाली है। और इसके अलावा दोस्तों बात कर लीजिए इस हफ्ते रिलीज हुआ वेनम 3 का, यानी वेनम द लास्ट डांस का ट्रेलर, तो इस ट्रेलर को भी दोस्तों काफी ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। और वेनम 3 वेनम और टॉम हार्डी की आखिरी मूवी होने वाली है। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको छोटी बड़ी जानकारी चैनल के ऊपर मिलती है। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं रोकते हैं।